तो हेलो वेलकम बैक गाइस, आज के हमारे न्यू वीडियो में आज आ चुका है माइनक्राफ्ट का पैच वर्जन 1.20.80। मतलब देख सकते हो 81 का जो पैच वर्जन आया था उसमें मतलब बहुत सारे ग्लिच थे, मतलब आधे से ज्यादा लोगों का उसमें जो शेडर्स है वो वर्क नहीं कर रहे थे। मतलब वैसे गिनती के भी 3 शेडर आए फिर भी जो है वर्क ही नहीं कर रहे थे, मतलब लोड ही नहीं हो पा रहे थे। इसलिए देख सकते हो आज आ चुका है 1.20.80 का लेटेस्ट पैच वर्जन। देख सकते हो इसमें जो है सारे जो 3 शेडर है वो आसानी से वर्क कर रहे हैं बिना किसी ग्लिच के। सबसे पहले मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सर का देख सकते हो, देखने में आपको लगेगा कि एक तो एकदम नॉर्मल सा वर्जन है, बट देख सको इसमें जो है हमारे पैच वाले शेडर्स है वो सभी के सभी वर्क कर रहे हैं। मतलब इसमें देख सकते हो MBX लीगेसी जो है इसमें भी हमने खेल रखा था। तो सबसे इसमें आपको जो शेडर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है, और देखो स्टोरेज लोकेशन है उसको एप्लीकेशन रखना था, अभी आपके जितने शेडर्स होंगे वही वर्क करेंगे। मतलब बहुत से लोग क्या करते एक्सटर्नल सेट कर देते फिर कहते शेडर वर्क नहीं करते, शेडर वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ एप्लीकेशन मोड में ही जो है शेडर्स वर्क कर रहे हैं हमारे। जैसे कि हमने MBX लीगेसी अभी खेला था स्टार्टिंग में, आपको दूसरा शेडर इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आपको हमारे अभी के लिए देख सकते हो 3 शेडर जो है वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी देख सकते हो MBX सब जीरो उसको इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ गेम में। इस वाले शेडर को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि इस वीडियो में आपको कहीं आगे देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा का पूरा देखना। देख सकते हो हमारा शेडर जो इंपोर्ट हो चुका है। अभी सिंपली मैं सेटिंग में जाऊंगा, ग्लोबल रिसोर्स पैक में जाऊंगा, यहाँ से MBX लीगेसी को रिमूव करके सब जीरो को एक्टिव कर दूंगा। सिंपली सिर्फ इतना ही करना है। मतलब पहले क्या होता है एक्टिवेट करने के बाद भी जो है हमारे शेडर वर्क नहीं कर रहे थे, पर देख लो मैं सीधे इस वाले वर्ल्ड में जाऊंगा, वर्ल्ड में भी आपको जो है शेडर एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो क्या जैसे कि देख सकते हो हमारा MBX सब जीरो शेडर था वो देख सकते हो किस तरीके से आसानी से लोड हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो वाटर क्वालिटी पीछे चेंज हो चुकी है, अभी मैं देख सकते हो सेम वर्ल्ड में ही हूँ। जैसे कि अभी आप अभी एक और बार आपको कंफर्म कराने के लिए मैं अभी अपना एक तीसरा शेडर उसमें लोड करके दिखाऊंगा कि देख सकते हो लोड हो पा रहा है या फिर नहीं। देख सकते हो अभी मैं 1.20.18 जो है ISSRD का जो है MC पैक है उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो ये वाला पैक भी इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। सिंपली फिर से सेम प्रोसेस करूंगा, यहाँ से डीएक्टिवेट करके यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। देख सकते हो हमारे जो शेडर्स होंगे वो हमारे सर्वर्स और रियल दोनों में ही अच्छी तरीके से वर्क करेंगे क्योंकि हमने इसको ग्लोबल में एक्टिवेट कर रखा है। और नाइट विजन टैग भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो अब मैं सिंपली सीधा वर्ल्ड में फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो हमारा तीसरा शेडर जो कि ISSRD था जिसको मैंने अभी आपके सामने इंपोर्ट किया था वो भी वर्क कर रहा है। देख सकते हो YSS ग्रुप ने कितना रियलिस्टिक शेडर बनाया, मतलब ऐसा शेडर तो मतलब देख सकते हो रिफ्लेक्शन कितने तगड़े आ रहा है। वैसे लैग भी बहुत तगड़ा हो रहा है पर देख सकते हो सेम वर्ल्ड है, सेम है सब कुछ और शेडर भी हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस चलिए इतना ही था आज के वीडियो के लिए। शेडर को अनलॉक करने का पासवर्ड आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, तो उससे आप अपने शेडर को डाउनलोड कर लेना। चलिए गाइस मिलते हैं अगले किसी दिन अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।